हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आयुष गुप्ता। सो वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एडवेंचर आइस गाइस। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा तमिलनाडु कोयम्बटूर में, और हम आपको दिखाएंगे ईशा फाउंडेशन और यादि योगी का स्टैचू दिखाऊंगा, जो पूरे वर्ल्ड में जो शिव जी भगवान है उनका सबसे बड़ा स्टैचू है, मूर्ति है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, जो वहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं देखने के लिए और श्रद्धा पूजा करने के लिए। तो बन रहे हैं आपको मैं ब्लॉग में वहाँ का सीन दिखाऊंगा और आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा। तो और क्या क्या चीज़ है, वहाँ का सीन क्या है, आप अगर ईशा फाउंडेशन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वहाँ पे ईशा फाउंडेशन में जो वहाँ के सतगुरु महाराज हैं, वो वहाँ के CEO हैं और वो चलाते हैं, उनका ही ट्रस्ट है जो ईशा फाउंडेशन, तो वही चलाते हैं, उनका आश्रम है। A few moments later. हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पे आया था मार्केट में केरला में, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड ख़रीदा और अपना बैग थोड़ा बनवाया, बैग का चैन टूट गया था और कुछ सामान ख़रीदा। तो यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। आज मेरा केरला में लास्ट दिन है, तो मैं केरला से जा रहा हूँ। तो आप पीछे का व्यू देख लीजिए, तो मैं केरला से तमिलनाडु जा रहा हूँ कोयम्बटूर में। गाइस ट्रेवल चालू हो चुका है, मैं जा रहा हूँ कोयम्बटूर, फिर कोयम्बटूर से देखते हैं कहाँ पे जाना है। कुछ बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, तो देख लीजिए गाइस। ये मैं बस में बैठा हूँ गाइस, बस का व्यू ऐसा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी में आया हूँ, तो रात का 12:30 हो रहा है और थोड़ा भूख लगा है। चलिए, ये सामने का ये ढाबा है, वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, चलो वेज कुछ खाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सामने आप देख सकते हैं, सामने दो बैग है और यहाँ पे मेरा खाना है। तो हाँ गाइस, चलो मैं थोड़ा थोड़ा लेता सब टेस्ट करता हूँ कैसा है, फिर खाएंगे, नहीं तो वेस्ट मत करो कुछ भी खाना, तो वेस्ट नहीं करूँगा, फिर टेस्ट करूँगा कैसा क्या टेस्ट है। रात को एक्चुअली इनका होटल बंद होने वाला है, ऑप्शन बस यही था वेज में, नहीं तो कुछ और ऑर्डर करता। चलो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कैसा है। तो हाँ गाइस, डिनर कर लिया, इस होटल में मैंने डिनर किया था। कभी कुछ ऐसा है कोयम्बटूर का, ये सामने होटल है, ये देखो गाइस, रात को 1 बज रहे हैं और सब होटल रेस्टोरेंट खुला हुआ है कोयम्बटूर में। इधर भी होटल है, इधर ऑटो बाइक सब खुला हुआ है। क्या गाइस, यहाँ पे भी लूट रहे हैं, मेरे को जहाँ जाना है वहाँ का 1000 मांग रहे हैं, जबकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे ही है बस। क्या करोगे, देखता हूँ, वेट करता हूँ, बात करता हूँ, बार्गेनिंग भी करूँगा थोड़ा। गाइस, रात को 3 बज रहे हैं और मैं बस पकड़ के गांधीपुरम आ गया हूँ, कोयम्बटूर के गांधीपुरम में हूँ, और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, देख लो। और गाइस ये देखो, रात में भी यहाँ पे शॉप खुला हुआ है, सुबह के 3 बज रहे हैं फिर भी। हाँ गाइस, पैसा ख़त्म हो गया, तो ये एक्सिस बैंक के ATM में आया हूँ पैसा निकालने के लिए, कोई ऐसा ATM में, चलो पैसा निकालता हूँ। हाँ गाइस, पूरी रात जगा हूँ, कोई गाड़ी नहीं, कोई व्हीकल नहीं, ना ही ऑटो, नहीं बस, मुझे जाना जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए कोई बस ही नहीं, कोई ना ही कोई व्हीकल है, पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब लोग बोल रहे 5 बजे से जाएगी, पूरा रात हो गया, 4 तो बज गया, 1 घंटा और वेट करेंगे। मैं 1 बजे ही आया था, लेकिन मुझे जो जहाँ जाना है वहाँ के लिए बस ही नहीं मिल रहा है, 3-4 घंटे से खड़ा हूँ, वो जहाँ जाना है वहाँ का बस ही नहीं है, ना ही बस है, ऑटो भी नहीं है, ऑटो भी है तो 2000 मांग रहे हैं वहाँ जाने के लिए, 25 किलोमीटर का 2000, क्या ये स्कैम है भाई। कुछ ऐसा लोकेशन है, मैं यहाँ पे रुका हूँ, वैसे भी 1000 बस आ रही है, लेकिन एक भी उधर नहीं जा रही जिधर मुझे जाना है। देखो अभी बस सामने से आ रही है, लेकिन मुझे 14D पकड़ना है, वो कोयम्बटूर शहर में हूँ। तो ये मेरा कुछ यहाँ का व्यू है, ये देखो हनुमान जी का स्टैचू है, ये मंदिर है और स्टैचू ऐसा है, कुछ ऐसा हनुमान जी का स्टैचू। तो हाँ गाइस, इस रेस्टोरेंट पर आया हूँ खाने के लिए, चलिए डोसा खाते हैं, वेज डोसा, और यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है, तो ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, यहाँ पे लोग खा रहे हैं, क्या है, तो ये रहा कूपन, चलो दो वेज डोसा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ गाइज, मैंने 2 वेज डोसा लिया है, तो ये खाऊंगा। तो गाइज, एक्चुअली क्या है सीन ना, साउथ इंडिया का खाना थोड़ा भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, साउथ इंडिया का खाना यार क्या बोलूँ, इडली, मेंदू वड़ा, सांभर, पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं यार, वो सच में बताऊँ तो मेरे घर की गाय भी नहीं खाएगी ऐसे खाना, ऐसे लोग यार साउथ का खाना खाते, अच्छा नहीं लग रहा गाइज, क्या किया जाए, मजबूरी है तो ये खाना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ के लोग खाना खाते हैं, यहाँ के लोग ऐसा खाना खाते हैं। तो चलो खाते हैं, वो ये बस के अंदर चलते हैं, बस का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ खाने के लिए बनाया गया है, यहाँ बैठते हैं खाते हैं। ये 2 वेज डोसा है,
वही मैं खा रहा हूँ। ये कोकोनट का चटनी है और ये पता नहीं सांभर क्या है। यहाँ कोकोनट का दुकान है, चलो एक कोकोनट पीते हैं और देखते हैं। यहाँ कोकोनट की दुकान है। हाउ मच फॉर वन? 50। तो हाँ गाइस, ये देखो समरकंद है, ये पूल टाइप का है। तो ये ईसा फाउंडेशन के अंदर है। तो चलिए चलते हैं अंदर, नहाते हैं। फेरी लगी हुई है ट्रेवलिंग के लिए। और केला का बगीचा है, गार्डन है, केला का खेत है। और ये सामने बहुत बड़ा नारियल का झाड़ है, बहुत मतलब नारियल का जंगल है, नारियल का पेड़ बहुत सारा है और जंगल है और ऊपर पहाड़ है। तो हाँ गाइस, सामने महादेव हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टूरिस्ट आए हुए हैं। और इधर आपको साउथ इंडियन लोग ही ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ के साउथ इंडियन ही लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन बहुत ही कम है इधर, पता नहीं क्यों। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ा ग्राउंड, मतलब बहुत ही बड़ा खेत है, उसके अंदर ये शिव जी का मूर्ति बना है, मंदिर बना है, शिव जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू बना है, ये देखो सामने। और बहुत टूरिस्ट आया हुआ है, तो आप भी आ सकते हैं। ये गाइज पड़ता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी से 36 किलोमीटर दूरी पे है। ये आदि योगी नाम से है। और ये देखो फॉरेनर लोग भी आए हैं और यहाँ पे शादी भी। यहाँ पे ये जो दो प्रेमी जोड़ा है, ये लोगों ने शादी किया है यहाँ पे, ये शिव जी के मंदिर में। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो ऐसा इंडियन लड़का है और इस फॉरेनर ने शादी किया है। इधर का कुछ ऐसा है, महादेव का स्टेचू है। और ये देखो साउथ इंडियन लोग आए हैं बहुत सारे। तो ये देखो, तो हाँ गाइस, ये देखो फोटो पोजेस चल रहा है यहाँ पे, फोटो सेशन चल रहा है। और इधर का कुछ ऐसा ब्यूटीफुल व्यूज है, बहुत ही अच्छा है। तो हाँ गाइस, आप भी अगर मैरिज कर रहे हो तो इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे आओ और यहाँ पे शादी करो। यहाँ पे शादी होता है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शादी हुआ अभी रिसेंटली, शादी हुआ तो मैं इसमें इन्वाइट था, तो मैं गया था। और ये देखो सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। तो हाँ गाइस, ये देखो आप सामने जो देख रहे हो बैल, आप उससे जा सकते हो। कहाँ पे आप उससे जा सकते हो? आश्रम में। ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस, ये देखो ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हाँ गाइस, ये देख लीजिए महादेव। नहीं आए तो आओ और विजिट करो इस पैलेस को। गाइस, मेरा एक्चुअली प्लान था उत्तराखंड जाने का, उत्तराखंड केदारनाथ बाबा के यहाँ, बट मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जब जाने का प्लान किया तब महादेव का कपाट बंद हो चुका था, उत्तराखंड केदारनाथ बाबा का कपाट बंद हो चुका था, इसके लिए मैं नहीं गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे चला आया और यहाँ पे विजिट कर लिया। तो सेम टू सेम कुछ खास नहीं है। ये तो स्टैचू बहुत ही अच्छा है महादेव का। आप भी बैल की सवारी कर सकते हो, महादेव की स्टैचू से आप इस आश्रम पे जा सकते हो। तो हाँ गाइज, आप आदि योगी के आश्रम की तरफ आओगे तो आपको शॉप दिख जाएगा कोकोनट का और खाने का, फूड का। और इधर टिकट काउंटर है, पुलिस स्टेशन भी है। और ये देखो महादेव, एक छोटा महादेव का स्टैचू है। वो जो नागिन का गेट दिख रहा है, वही आदि योगी का आश्रम है। चलो वहाँ पे जाऊँगा समरकंद। वैल्यूएबल डिपॉजिट काउंटर और लिखा है नॉट अलाउड ऑन द पिक्चर्स प्रमिसेस, मोबाइल कैमरा ये सब अलाउ नहीं है। तो दैट्स आई कांट टेक पिक्चर्स इनसाइड आश्रम। और यहाँ पे टिकट मिल रहा है। और चलो, तो मेरा यहाँ पे कैमरा फ़ोन सब जमा करवा लिया। अंदर में गया तो वहाँ पे मैं देखा कि लोग कैमरा लेकर गए हैं, फ़ोन भी लेकर गए हैं, शूट कर रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर भी ले रहे हैं। मेरे को अलाउ ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात कि बोला समरकंद में नहाने का फ्री ऑफ कॉस्ट, बाहर काउंटर पर बोला। और मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे 20 रुपीज़ नहाने का था, तो इसके लिए मैं नहीं नहा, पैसा लेकर नहीं गया था, क्योंकि वॉलेट मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया था ये काउंटर पर, पीछे जो काउंटर है। और दूसरी बात, समरकंद का गाइज पानी मतलब 3-4-5-6 फीट था, और वहाँ पानी झरना सा आ रहा था, झरना से ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से झरना सा आ रहा था। और पानी लाइट ग्रीन था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चिल था। मैं नहाया तो नहीं लेकिन देखा, अंदर गया था, बहुत ही चिल था, बहुत ही अच्छा है। और गाइज, इनको अगर जानते हो तो बता दो कमेंट करके, इनका नाम क्या है? इनका नाम शायद सदगुरु है, ये इनके बारे में जानते हो तो बताओ। इनका ये गाइज, ये इंस्टीट्यूट, ये आश्रम इनका ही है। हाँ गाइज, आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही पीसफुल हुआ है। और गाइज, मैं झूठ मूठ का फालतू में इंडिया को हल्का में ले रहा था। आप यहाँ आओगे, इंडिया में कहीं भी जाओगे ट्रेवल करने के लिए, तो फॉरेनर है आप, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया भी कुछ हल्का नहीं है। इंडिया को भी कम मत समझो। तो इंडिया भी मैं थोड़ा हल्का ले रहा था, लेकिन हल्का नहीं है।
इंडिया भी हैवी है तभी तो लोग आ रहे हैं, इंडिया अच्छा है तभी तो लोग आ रहे हैं, और इंडिया के लोग तारीफ बहुत करते हैं, फॉरेनर लोग बहुत तारीफ करते हैं। और यहाँ पे भजन हो रहा है, और ये गाड़ी देखो, ये सारा गाड़ी जो आपको दिख रहा है सारा पार्किंग सारा टूरिस्ट का ही है, देख लो इतना पार्किंग में गाड़ी लगा है, इधर भी पार्किंग, बस फोर व्हीलर बाइक, और एक पार्किंग इधर है और एक पार्किंग सामने है और एक पार्किंग इधर है, मतलब गाड़ी जहाँ पे तीन पार्किंग है, कुल तीन पार्किंग है, तो यहाँ पे पार्क करने के लिए छोटा, सोचो इतना छोटा जगह में इतना बड़ा पार्किंग है, आप समझो कितना टूरिस्ट आते हैं। अरे यूट्यूबर विच व्हाट इज द चैनल, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, आयुष गुप्ता। इस लोकेशन को मुझे अलविदा करने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे विजिट कर लिया, अब चलो चलते कहीं और चलते हैं दूसरे स्पॉट पे। तो मैं बस में बैठ चुका हूँ, और ये बस का, तो गाइस ये बस का लोकेशन है, ये जाएगी कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर से जाएंगे, और यहाँ का कुछ लोकेशन ऐसा है, ये देख लो यहाँ का व्यू, सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो हाँ गाइस, आप अगर आदिशक्ति के लिए दर्शन के लिए जाओगे तो आपको दिखेगा, मतलब एक जंगल से रास्ता गया हुआ पतला सा, तो जंगल के रास्ते से आप जाओगे आदिशक्ति के लिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो लोग पतले रास्ते से ही जाते हैं, पतला वन वे रास्ता है, वो जंगल के अंदर बीचों बीच गया है, उससे लोग जाते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे और लाइक्स भी कर दे, तब तक मिलते हैं।